22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच खबर है कि कुछ शंकराचार्य, बल्कि सभी शंकराचार्य इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शंकराचार्य होते कौन है और हिंदू धर्म में इनकी कितनी अहमियत होती है, आइए आपको बताते हैं। गौरतलब है कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना जाता है। भारत में शंकराचार्य पद की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य भारत में चार मठों की स्थापना की थी और इन चार मठों में उत्तर के बद्रिकाश्रम, ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी और गोवर्धन मठ, ये चारों मठ थे। इसके अलावा पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ भी शामिल है। शंकराचार्य इन सभी को कहा जाता है जो इन मठों में रहते हैं। संस्कृत में इन मठों को पीठ कहते हैं और इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने अपने चार प्रमुख शिष्यों को जिम्मेदारी सौंपी। तभी से भारत में शंकराचार्य परंपरा की स्थापना हुई। मान्यताओं के अनुसार इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। आदि शंकराचार्य हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे जिन्होंने हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में एक स्थान हासिल किया, उन्हें माना जाता है। चार शंकराचार्य इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। इनमें से तीन शंकराचार्यों का कहना है कि हम ना तो राम मंदिर कार्यक्रम के खिलाफ हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। बस प्राण प्रतिष्ठा समारोह हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं किया जा रहा, जिस वजह से हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। संविधान की व्याख्या करने को लेकर फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए शंकराचार्य सर्वोच्च गुरु होते हैं। भारत में चार मठों में चार शंकराचार्य होते हैं। अगर शंकराचार्य पद के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य से मानी जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, यही इनके जनक कहे जाते हैं। आदि शंकराचार्य एक हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। आदि शंकराचार्य केरल के एक गांव में पैदा हुए थे। इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा ये शख्स राजनीति से ना जुड़ा हो। इतना ही नहीं, चारों धामों में आदि शंकर ने ही स्थापित किए थे, चारों धाम भी उन्होंने बनाए थे, इसलिए इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अयोध्या में अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, शंकराचार्य नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म मानने वालों को, सनातनियों को कहीं ना कहीं वो शिकन महसूस हो रही है कि इनका भी कार्यक्रम में होना बेहद जरूरी था। लेकिन शताब्दी से चली आ रही ये जंग, ये लड़ाई जो अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जाकर पूर्ण होगी, ये बेहद ही खुशी का क्षण है। एक क्षण में शंकराचार्यों का आ पाना ना, और इस तरह से कार्यक्रम का तो उन्होंने विरोध नहीं किया, जैसे कि उन्होंने बताया भी कि ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध है ना कार्यक्रम का विरोध है, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, हमारे हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, इसलिए वे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। शंकराचार्य के इन फैसलों को लेकर आप क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, कॉमेंट करके बताइएगा। आपके साथ मैं था मुकुंद, बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।